नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार ठाकुर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए डिवाइस की जानकारी लेकर आया हूँ। नया तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये डिवाइस हमारी लाइन में काफ़ी दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डिवाइस है DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब आपने DSO के बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे, DSO के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, तो फिर आज इस वीडियो में आपको क्या खास देखने को मिलेगा? जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है और इस बॉक्स पर एक नाम नजर आ रहा है, सिग्लेंट। जी हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों को सिग्लेंट टेक्नोलॉजी के DSO के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर में से एक सिग्लेंट कंपनी का सिग्लेंट मॉडल नंबर है SDS1202XE, जो कि वर्ल्ड फेमस और हाई क्वालिटी वाला DSO ऑसिलोस्कोप है। आइए बात करते हैं सिग्लेंट टेक्नोलॉजी के DSO को अलग क्या बनाता है। सोचिए, ज्यादा बैंडविड्थ, तेज सैंपल रेट और यूजर इंटरफेस जो एकदम स्मूथ है। सिग्लेंट DSO आपके लैपटॉप रिपेयर टेस्टिंग को और भी आसान बनाता है और आपको बेहतर एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस देता है। और सबसे जरूरी, इस कंपनी के DSO खरीदने पर आपको 3 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है। आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मेरी वीडियो काफी डिटेल्स में जाएगी, और अगर आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस DSO के अनबॉक्सिंग करने से पहले इस DSO की जो बनाने वाली कंपनी है सिग्लेंट टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा। वैसे भी जब हम कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स पता कर लेना चाहिए, है ना। तो सिग्लेंट टेक्नोलॉजीज की स्थापना सन 2002 में की गई और ये कंपनी ISO 9001 और ISO 14001 प्रमाणित मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो टेस्टिंग और मेजरमेंट डिवाइस के लिए कंपनी वर्ल्ड क्लास कंपनी है। हम लोगों ने अपने लाइन में बेसिक सिग्लेंट का ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इंडिया के बहुत सारे साइंटिफिक लैब्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाई लेवल के इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर के सिग्लेंट टेक्नोलॉजीज के डिवाइस का काफ़ी दिनों से यूज किया जाता रहा है। सिग्लेंट टेक्नोलॉजीज सभी तरह के टेस्टिंग और मेजरमेंट डिवाइस में डील करती है, जैसे आपके डिजिटल ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, DC सप्लाई एक्सेट्रा। इस कंपनी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस कम जैसे कि इस कंपनी की वेबसाइट, प्रोडक्ट लिस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इन सभी का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपको सिग्लेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी ज़्यादा डेप्थ में पता करना है वो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिवाइस की अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। ये इसके अंदर दो प्रॉप्स आए हैं। क्या क्या है प्रॉप्स में आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्या क्या इसके अंदर आ रहा है देखिए। तो फिलहाल जो मैं आपके सामने ये मॉडल दिखा रहा हूँ आपको, ये मॉडल आप देख लीजिए कौन सा मॉडल है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सिग्लेंट का है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मॉडल है SDS1202XE। ये मॉडल है और ये हमारा 200 MHz का मॉडल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। मैंने पहले भी इस DSO को यूज किया हुआ है, जो DSO इसका मैंने पहले भी यूज किया, मेरे को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी स्मूथ लगा मेरे को, तभी मैं यहाँ पर मंगवा के आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि हाँ ये DSO बेहतर है, मैंने इसका पहले यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये DSO आपको नज़र आ रहा है, तो इसके साथ क्या क्या आया है उस पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं एक पावर केबल आया है जिससे कि हम इसे पावर देंगे। इसके साथ एक USB इंटरफेस है, आप देख सकते हैं USB इंटरफेस है, ये आपका हो सकता, ये है आपका PC इंटरफेस के लिए। और इसके साथ जो प्रॉप्स आते हैं, प्रॉप्स मैं दिखा रहा हूँ किस तरह के प्रॉप्स है, क्या क्वालिटी है। इसके साथ जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हाँ बेहतर प्रॉप्स है, इस पे 1x 10x की भी सेटिंग्स है। और ये जो मैं इसका निडल देख रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं वीडियो में आपको नजर आ रहा है, निडल काफी शार्प है
है ना, हमारे पास दूसरी कंपनी के भी डीएसओ है लेकिन उसके जो ये निडल्स होते हैं उतने शार्प नहीं होते, यहाँ पर काफी शार्प है ना, मतलब कि अलग से एक्स्ट्रा निडल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग में जो है छोटी छोटी आईसी पे वोल्टेज चेक करने के लिए भी डीएसओ का यूज करते हैं, क्लॉक चेक करने के लिए, सिग्नल्स चेक करने के लिए, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हमारा जो डीएसओ का ये प्रॉब होगा उसका ये निडल कितना शार्प है। ये तो काफी शार्प है ना, हमें अलग से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बेहतर क्वालिटी का मुझे लगा इसका जो प्रॉब है। तो टोटल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दो प्रॉब आए हैं, अब देखिए टोटल दो प्रॉब आए हैं इसके, दोनों अलग अलग पैकेज में हैं, दोनों के दोनों प्रॉब, दो प्रॉब्स इसके साथ आए हैं। सभी डीएसओ के साथ दो प्रॉब आते हैं, आपका ध्यान रखना है कि आप मार्केट से कोई भी डीएसओ लेंगे तो उसके साथ आपको दो प्रॉब मिलते हैं। अगर कोई एक प्रॉब दे रहा है या कोई ये कहता है कि प्रॉब अलग से लेना होता है तो ऐसा नहीं होता, प्रॉब हमेशा इसके साथ दो आते हैं सभी कंपनी के डीएसओ के साथ। अब तक मैंने जो भी परचेज किया है मैंने देखा है कि हमेशा दो ओरिजिनल प्रॉब आए हैं, और प्लस इसके साथ आप देख सकते हैं कुछ रिंग्स है और ये अलाइनर है जो कि सेटिंग्स करने के लिए हमें इस अलाइनर की जरूरत पड़ती है कई बार, तो मतलब इसका जो हमें कैलिब्रेशन करना होता है प्रॉप का तो उसमें इस अलाइनर की जरूरत पड़ती है। तो इतना आया है, साथ ही साथ ये जो मैं देख पा रहा हूँ एक सीडी भी आई है, खैर इसका आप कोई यूज है नहीं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस सीडी का कोई यूज है नहीं, है ना, हमारे पास नहीं यूज है, दूसरे के पास हो सकता है, क्योंकि ये जो सीडी होगा इसमें आई थिंक इसका पीसी इंटरफेस का सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पीसी इंटरफेस के लिए अगर इस डीएसओ को यूज करना चाहते हैं तो इस डीएसओ की जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, उस वेबसाइट पर भी आपको इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और इसके साथ देख सकते हैं एक बुकलेट आया है इसका, है ना, जिसमें कि दिया है कि आपको डीएसओ को किस तरह यूज करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुकलेट का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, फर्स्ट पेज पे देखें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आ रहा होगा, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इस डीएसओ में क्या स्पेशल है। मैं क्यों इस वीडियो में आपको डीएसओ के बारे में बताने के लिए आया हूँ आपको पता चल जा रहा है। तो आपने अगर गौर किया तो ये कलरफुल है, बिल्कुल ये कलर है, जैसे कि अदर कंपनी का आपने डीएसओ देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट डीएसओ होते हैं, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, है ना, कहीं कहीं ब्लू लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको देख के आइडिया लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें कलर्स ज्यादा हैं, है ना, तो इससे भी आइडिया लग रहा है। प्लस मैं देख पा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें कुछ इमेजेस होंगे उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा। आप देख सकते हैं इससे भी एक आइडिया लग रहा है कि हाँ लुक वाइज तो बहुत शानदार रहने वाला है, ये लुक वाइज बहुत शानदार रहने वाला है डीएसओ, काफी बेहतर लग रहा है ना। चलिए ये हमने देखा, और एक और बात जो यहाँ पर मैं, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये प्रॉप्स के दो पैकेट्स आए थे, दोनों पैकेट्स में इसके रिंग्स अलग अलग हैं, दोनों के अलाइनर अलग अलग हैं, बाकी अदर कंपनी में देखता हूँ कि एक ही पैकेट्स में सारा काम दिया होता है। तो ये हमने देख लिया जो जो इसके साथ आए देख लिया, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन है। चलिए और अब आप देखिए इस डीएसओ को, अभी मैं डिटेल से इसका पूरा यूज करते हुए आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में आपको पूरे के पूरे इसकी टेस्टिंग बताऊंगा और इसका कैसे यूज किया जाता है, वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे हम, सिग्नल्स कैसे मेजर करेंगे, वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पास है ये सीलेंट कंपनी का है ये डीएसओ 200 मेगाहर्ट्ज़ का है। आप अगर इसके डिटेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे हम एस टी एस ओ से वोल्टेज चेक करेंगे, कैसे एस टी एस ओ से हम सिग्नल्स को मेजर करेंगे, क्लॉक्स को मेजर करेंगे, ट्रिगर मोड को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है डी एस ओ, हमारी टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी हम देखेंगे, एस एम बस के जो वेब फॉर्म्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, पी एल टी रिसेट को ये मेजर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, डीराम रिसेट को मेजर कर पाता है कि नहीं, तो वो सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। डी डब्ल्यू एम के जो पल्सेस होते हैं वो कैसे आते हैं, तो इसमें इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह आप इसको रखेंगे। तो फिलहाल तो देखिए अगर आप डीएसओ के स्क्रीन को भी देखें तो स्क्रीन मुझे जैसा बाकी डीएसओ होता है स्क्रीन का साइज तो वही ऑलमोस्ट वही साइज है, 7 इंच की स्क्रीन लग रही है, ऑलमोस्ट वही साइज है। और बाकी अगर आप पहले से भी कोई डीएसओ यूज करते होंगे उनके अगर आप देखेंगे जो बटन्स वगैरह हैं अगर उससे आप अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नजर आ रहा है ना।
और मैं देखता हूँ इसमें क्या है। चलिए इस पर मैं देखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। रन स्टॉप है, ऑटो सेटअप दे रखा है। ट्रिगर में मेरे को एक खास बात नज़र आ रही है, अगर आप देखें ट्रिगर को, अगर आप ट्रिगर मेनू का यूज करते हैं तो यहीं पर आपको दे रखा है ऑटो दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, सिंगल दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। यहीं पर सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। और अगर मैं इसको चेक करूँ, हाँ ये भी दे रखा है। टोटल 2 चैनल का DSO है, आप देख सकते हैं चैनल 1 चैनल 2 2 चैनल का DSO है। और मॉडल्स तो आपने देखी है, मॉडल का नेम आप देख सकते हैं HDS1202XE है ना, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और आप अगर इसमें देखें स्पेशल आप जो देखेंगे इसमें एक अलग ही टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है HDSO में, जिसे हम कहते हैं SPO। SPO का मतलब होता है सुपर फॉस्फर ऑसिलोस्कोप, SPO सुपर फॉस्फर ऑसिलोस्कोप है ना, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और इसके अलावा हम देखेंगे 200 मेगाहर्ट्ज का DSO है ना, 1GS का इसका सैंपल रेट है। तो हम जो भी DSO लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैंपल रेट क्या है इसका। तो सैंपल रेट आप देख रहे हैं अच्छा खासा 1GS का है, ये पूरी तरह से बेहतर आपको नजर आएगा, स्मूथ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल मैंने केवल अनबॉक्सिंग की है, ये पावर बटन का दे रखा है यहाँ पर। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा जो मुझे इसमें देखने को लग रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये डिफरेंट आपको नजर आ रहा है बाकी DSO से, यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है। बेसिकली क्या है, मेनू बटन्स है। और अदर DSO में जैसे यहाँ पर F1 F2 F3 करके आता है, तो उसी तरह ये यहाँ पर दे दिया है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और बाकी मैं देखूँ तो मुझे और कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम अदर कंपनी के DSO अब तक यूज करते आए हैं, और DSO हम अगर यूज करना जानते हैं, मेन बात क्या होता है, अगर हम DSO यूज करना जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कंपनी का जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई एक डिवाइस को यूज करना जानते हैं तो कोई दूसरा डिवाइस भी उसी कंपनी का जो होता है यूज कर लेंगे। अभी मेरे पास सिग्नेंट का DSO है, मुझे देख कर लग रहा है कि मैं बहुत इजीली इसका यूज कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन बात क्या होता है ना कि हम कोई अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा घबराते हैं कि भैया इसको चलाऊंगा कैसे, यूज कैसे करूंगा, ये बात आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले से DSO यूज करना जानते हैं, DSO आपने चलाया हुआ है, कहीं सीखा हुआ है आपने DSO के बारे में, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं भी यूज करना जानते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो काफी डिटेल्स में जाने वाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये। और इस वीडियो में मैं आपको DSO कैसे यूज किया जाता है, मतलब अभी तक मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से यहां तक लेके आया हूं, अब आगे जो मैं आपको लेके जाने वाला हूं इसके बारे में मैं आपको इसकी जो टोटल सेटिंग्स होती है, मतलब अब क्या है कि अब हमें रेडी करना है DSO को, हमें रेडी करना है कि किस तरह हम अपने वोल्टेजेस को चेक करेंगे, सिग्नल्स को चेक करेंगे, उसके लिए DSO को रेडी करना होता है। तो उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, DSO की सेटिंग्स। तो DSO की सेटिंग्स कैसे की जाती है वो भी अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूं, प्लस इस DSO से कैसे हम वोल्टेज को मेजर करेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूं, किस तरह हम सिग्नल्स को मेजर करेंगे, किस तरह हम क्लॉक्स को मेजर करेंगे, अलग अलग तरह के वेवफॉर्म है वो भी मैं इस वीडियो में ही आपको बताने के लिए जाने वाला हूं, है ना। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, है ना, क्योंकि अब ये बहुत बेहतर वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको इस DSO से रिलेटेड जो भी फंक्शंस प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी आप हमारी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं DSO को मैंने यहाँ पे रख दिया है, पूरा का पूरा आपको DSO नज़र आ रहा होगा और बहुत क्लियर कट आपको सारे के सारे मेनू बटन्स वगैरह ये सब सारे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको DSO बेसिक सेटिंग्स बताने के लिए जा रहा हूँ। और ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम DSO को ऑन करते हैं तो क्या लुक होता है और किस तरह हम इसको बेसिकली सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस DSO को ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ पर DSO को ऑन करने के लिए जा रहा हूँ, ये आप देखिए मैंने DSO को ऑन किया। ऑन करते सबसे पहले सिग्नेंट कंपनी का यहाँ पर लोगो आया, ये हमारा ऑन हो गया और ये हमारा डिस्प्ले आ गया हमारा। तो अब हमें करना क्या होता है, देखिए जब आपने DSO को ऑन कर दिया तो ऑन करने के बाद सबसे पहले करना क्या है आपको ये देखना होता है। तो यहाँ पर आपको खुद ब खुद यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सारे के सारे बटन्स के ऊपर, सिस्टम स्टेटस, डू सेल्फ कैलिब्रेशन, क्विक कैल ऑन, साउंड, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख पा रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए जा रहा हूँ किस तरह आप DSO को यूज करने के लायक बनाओगे। अभी तो जस्ट आपने DSO को ऑन किया, थोड़ा बहुत आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिससे कि आप DSO को फर्स्ट टाइम यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पर हम जिस तरह से DSO को यूज करते हैं उसी तरह से बताएंगे। मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊँगा कि आपको समझ में ना आए। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहा आपको कि हमारा DSO जो है टू चैनल्स का है, तो ये आपके पास टू चैनल्स है, एक ये चैनल हो गया और एक ये चैनल हो गया, है ना। तो आप अपने प्रॉप को यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चैनल वन पे ही ये मैंने चैनल वन पे प्रॉप को कनेक्ट कर दिया। और सबसे पहले जो आपको करना है, आप प्रॉप को कनेक्ट करेंगे। अब प्रॉप में आप देख लीजिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको बताया एक 10x होता है एक 1x होता है। मैंने उसको 1x पे भी सेट कर दिया, हमने 1x पे सेट कर दिया प्रॉप को, है ना। और मैं प्रॉप को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया प्रॉप को कनेक्ट करने का तरीका। लेकिन क्या है कि जब फर्स्ट टाइम DSO आपके पास आएगा, कोई भी DSO अगर हमारे फर्स्ट टाइम आता है, तो कई बार क्या हो जाता है कि DSO पे लैंग्वेज चेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं, यहीं पर लैंग्वेज का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपको कभी आप DSO लेते हो और आपको लगे कि यहाँ की जो लैंग्वेज है कुछ चेंज है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो आप यहीं पर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो किस तरह लैंग्वेज चेंज करोगे, तो आप देखिए लैंग्वेज के ठीक नीचे बटन है, ये बटन को आप प्रेस करेंगे इस तरह। ये लैंग्वेज का बटन को मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश, फ्रांसिस, बाकी जो भी लैंग्वेज होते हैं, डच हो गया, स्पेनिश हो गया, सारे के सारे लैंग्वेज आ रहे हैं। तो हमें DSO को हमेशा किस पे सेट करके रखना है, तो हमें इंग्लिश पे सेट करना है। तो इसी बटन को आप इस तरह करके पुश करते जाएंगे, तो ये आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आ जाएगा। तो हमें इंग्लिश से मतलब है, तो हम इसको कहाँ पे सेट करके रखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा हम इसको इंग्लिश पे सेट करेंगे, है ना। वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाई चांस, मैंने बाई चांस की बात करी। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश पे करके आप एक बार इसको प्रेस कर दीजिएगा, तो ये हमारा सेट हो गया इंग्लिश के लिए, करेक्ट। तो होता क्या है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम DSO को लाते हैं, तो DSO पे आपको एक कैलिब्रेशन करना होता है। तो मैं सबसे पहले वही करूँगा। देखिए जब भी फर्स्ट टाइम आप DSO को लाएंगे, ये मैंने इसको सबसे पहले इसको मैं प्रॉप को निकाल दे रहा हूँ, प्रॉप का हम अभी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है ना, डू सेल्फ CL मीन्स कैलिब्रेशन, मतलब सेल्फ कैलिब्रेशन आपको करना है, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो इसी के नीचे बटन दे रखा है, इस बटन को हम प्रेस कर देंगे एक बार, तो एक कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसकनेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑल इनपुट्स, आपको ये मैसेज दे रहा है कि सारे इनपुट्स से आप डिसकनेक्ट कर दीजिए। प्रेस सिंगल की टू बिगिन, प्रेस रन स्टॉप की टू एग्जिट, मतलब कह रहा है सिंगल की आपको प्रेस करना है जिससे कि हमारा एक कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो सिंगल की है ये कहाँ पर है। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं सिंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल। तो मैं मेरे ख्याल से इस सिंगल को मैं प्रेस करूँगा तो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, देखिए मैंने सिंगल की को प्रेस किया। तो अब सिंगल को प्रेस करते देखिए यहाँ पर हमारी कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। तो आपको पहली बार में यही करना है, जब भी आप ना केवल ये DSO, कोई भी DSO परचेज करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको कैलिब्रेशन कर लेंगे। तो ये 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होने दीजिए आप, देखिए। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ गया, प्रेस रन स्टॉप की टू एग्जिट। आप एग्जिट करने के लिए रन या स्टॉप बटन को प्रेस करिए, तो रन स्टॉप बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, मैंने प्रेस कर दिया, अब हमारा कैलिब्रेशन हो गया कम्प्लीट और हमारा DSO रेडी है। DSO रेडी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन नंबर का जो बटन है ये हाईलाइट हो गया है, ये ग्लो कर गया। इसका मतलब आपका DSO का चैनल वन जो है वो रेडी है, काम करने के लिए रेडी है। अगर आपको चैनल टू पे काम करना है तो इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं चैनल वन को यूज करने के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए चैनल वन पे मैं यहाँ पर प्रॉप्स को कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्रॉप मेरा कनेक्ट हो गया है ना, बहुत ईजिली प्रॉप कनेक्ट हो जाता है। तो चैनल वन पे हमारा ये कनेक्ट हो गया है। अब सेकंड ऑप्शन के तौर पे मैं क्या करूँगा, एक सेल्फ टेस्ट लूँगा DSO का। DSO खुद अपना मेजरमेंट बताता है, सेल्फ टेस्ट लेते हैं इसका, देखते हैं किस तरह से देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ग्राउंड का है और यहाँ पर आपको 1 kHz की यहाँ पर सेल्फ टेस्ट होगी। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं कि DSO अपना सेल्फ टेस्ट देता है कि नहीं देता है। हर डिवाइस में एक सेल्फ टेस्ट का ऑप्शन होता है, तो इसके लिए मुझे कैप को लगा देना होगा। मैं कैप को यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ,
ये कैप मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद है ना, यहाँ पर अब मैं एक बार करूँगा ऑटो सेटअप। ऑटो सेटअप मैंने किया, देखते हैं ऑटो सेटअप से क्या होता है। यहाँ पे ऑटो सेटअप जैसे किया तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी बन के आ गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कहें, पल्स कहें, जो भी कहें, ये जो बन के आया है, ये हमारा क्या आया है, 1 kHz का। अब हमें कैसे पता चलेगा 1 kHz का है, तो बहुत सिंपली यहाँ पर देखते हैं एफ इक्वल टू 1 kHz इसने बता दिया। इस DSO की एक खासियत ये मैंने देखी कि जो भी फ्रीक्वेंसी आप मेजर करते हैं ना, तो उस फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू होती है वो बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे बता देता है, ये बिल्कुल हाइड नहीं रहता। जब भी आप कहीं भी कोई फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे तो उस लाइन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखा देता है। तो हमारा सर्व टेस्ट में पास हो गया, हाँ 1 kHz है। अब आगे हम और क्या कर सकते हैं और इसमें हमें किस तरह बेहतर यूज करना है उस हिसाब से देखें, तो मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ और क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। अब आप अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग यूटिलाइज करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में जाऊँ कि डिस्प्ले के ऑप्शन में क्या है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के ऑप्शन में अगर जाएँ, देखिए मैंने डिस्प्ले पर क्लिक किया, डिस्प्ले के ऑप्शन में क्या है आप देखें, यहाँ पर टाइप सारा वैक्टर्स, कलर ग्रिड ऑफ है, पजिस्ट ऑफ है, कलर क्लियर डिस्प्ले है ना, फिर नेक्स्ट पेज का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप वेक्टर्स में आएंगे। टाइप वेक्टर्स के लिए हमने इस बटन को प्रेस करना है, मैंने प्रेस किया, प्रेस करते देखते हैं क्या हुआ, टाइप आपका डॉट हो गया, टाइप आपका डॉट्स हो गया। तो यहाँ पर आप देख लो क्या आपको बेहतर लगता है, टाइप डॉट्स लगता है, वेक्टर्स में लगता है, तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है ना। फिर मैं यहाँ पर कलर ग्रेड, ये कलर ग्रेड ऑफ है, तो इस DSO के हिसाब से मैं इस कलर ग्रेड को ऑन करूँगा। तो कलर ग्रेड को मैंने ऑन किया, अभी देखिए बिल्कुल जैसा हम चाहते तो उसी तरह ये DSO दिखा रहा है और काफ़ी ये यूनिक लग रहा है। अगर आप इससे पहले किसी DSO को यूज किया होगा आपने, तो उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा इसमें कलर के ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा कलरफुल ये DSO नज़र आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा कलरफुल मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारी सेटिंग्स के लिए यहाँ पर जिस हिसाब से हम समझते हैं उस हिसाब से मैंने कलर ग्रेड को ऑन कर लिया है और मैं यही सेटिंग्स रहने दूंगा, कलर ग्रेड को ऑन ही रहने दूंगा, है ना। परसिस्ट ऑफ से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर डिस्प्ले करने से क्या होता है देखते हैं, क्लियर डिस्प्ले करने से क्या होगा। क्लियर डिस्प्ले मैंने किया, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पेज में जाना है, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक इसके नीचे जो बटन से इसको पुश करेंगे, ये मैंने पुश किया, नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, तो ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है ना, ग्रिड का ऑप्शन। अब ग्रिड किसे कहते हैं, ग्रिड से होना क्या है उस चीज़ को अगर हम देखें, तो एक बार मैं ग्रिड को बटन को पुश किया तो ग्रिड से हुआ क्या। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आपको तीन तरह के सेटिंग्स आ गए, तीन ऑप्शंस आ गए कि ग्रिड आपको कैसा चाहिए। ग्रिड के लिए क्या है कि बैक जो इसका आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं इसको ग्रिड कहते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट से यहाँ पर दिख रहा है वो आपका ग्रिड्स हो जाता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह का ये ग्रिड्स, आप मैं इसी को पुश करूँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रिड्स चेंज होगा। देखिए बैकग्राउंड में जो ग्रिड्स है वो आपको क्या हो गया, केवल देख सकते हैं एक ये लाइन दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है। और फिर मैं और ग्रिड्स ग्रिड को चेंज करता हूँ तो ये बिल्कुल मुझे ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम अगर यूज करेंगे, अब देखिए सबका क्या होता है, मतलब डिस्प्ले देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। यहाँ पर जो भी मैं सेट कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, है ना, कि मुझे किस तरह से बेहतर इंटरफेस मिलेगा, किस तरह मैं स्मूथली वर्क कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं सेट करूँगा। तो जो मेरे मुताबिक सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस DSO में, आप चाहो तो अपने मुताबिक भी इसमें सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्रिड को सेट करना पसंद करूँगा, बिल्कुल मैं यहाँ पर ग्रिड का जो फर्स्ट ऑप्शंस था जिसमें कि ग्रिड्स आ रहे थे सारे के सारे, मतलब ये ग्राफ की तरह दिखना चाहिए, है ना। मैंने जो DSO को समझाया शुरू से जो मैं समझता आ रहा हूँ, मुझे ग्राफ की तरह दिखना चाहिए, है ना, तो मुझे ग्राफ की तरह दिखना चाहिए। तो ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन था, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन आ रहा था, है ना, मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ग्रिड सेटिंग से क्या क्या होता है। सेकंड आपको इंटेंसिटी आ गया, इंटेंसिटी को भी हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्लिक किया और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 50%। अब 50% से आपको क्या करना है, 60, 70, 100 करना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको एक हाईलाइट हो गया, जैसे मैंने इसको ग्रिड को सेलेक्ट किया था, इसको इंटेंसिटी को सेलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक ये ग्लो कर रहा है,
है ना। और यहाँ पर टेक्स्ट भी है, इंटेंसिटी, मतलब अगर आपको इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो कैसे एडजस्ट करते हैं हम देखते हैं, यहाँ से एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। देखिए बिल्कुल हो रहा है एडजस्ट, आप इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हर किसी का आई विजन अलग अलग होता है, अपने आई विजन के हिसाब से वो यहाँ पर ग्रिड को सेट कर सकता है और इंटेंसिटी को सेट कर सकता है। तो यहाँ पर जैसा भी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप इंटेंसिटी को सेट कर लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको 50% पे रहने दूँ, है ना, क्योंकि DSO ने खुद आपको कैलिब्रेट करके आपको बेहतर ऑप्शन दिया है 50% का आप रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है ग्रेटी कूल का, देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, इससे क्या होता है। तो इस पर भी मुझे लग रहा है 15% है और इसको कम ज़्यादा करने के लिए इसी का यूज करना होगा। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं इसका मैंने यूज किया, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ ये फ़र्क तो पड़ रहा है, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ये जो एक था ब्राइटनेस जो है ना, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है, सीधा सीधा ब्राइटनेस कम ज़्यादा मुझे लग रहा है। यहाँ से जो ग्रिड की जो ब्राइटनेस है ना उसको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। ठीक है, अपने हिसाब से इसको सेट करके रखेंगे, किसी किसी ने 100 करना है तो 100 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट करके रखिए। बिल्कुल ये ब्राइटनेस है, किसी अदर DSO में जाएँ तो शायद इसका नाम आपको ब्राइटनेस के नाम से दिया होगा, है ना। यहाँ पर मेरी सेटिंग्स हो गई है, चलिए ये मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ही करना चाहूँगा इसका मैं, ताकि मेरे को जो है अपना जो वेब फॉर्म है वो अच्छे से नज़र आए। तो ठीक है, इतने में मेरा काम बन जा रहा है ना, क्लियर। चलिए तो इतना हमने देख लिया, उसके बाद देख रहे हैं ट्रांसपेरेंस, ये ऑप्शन को देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन लग रहा है और इसका अच्छा यूज हम कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो शायद आगे पता चले, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इससे हो क्या रहा है, आप देखेंगे अगर। तो फिलहाल आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या होता है ना जब एक एक ही डिस्प्ले पे जब आपके दो ऑप्शंस आते हैं ना, तो वहाँ पे जो बैक का ऑप्शंस के ऊपर जो फ्रंट का ऑप्शंस होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंस रहे, उसके लिए इसका यूज किया जाएगा, बहुत बेहतर यूज होगा इसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए यहाँ ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में मैं गया, नेक्स्ट पेज में देख रहा हूँ तो वही है, टाइप वेक्टर्स है, कलर ग्रेड है, परजिस्ट है, क्लियर डिस्प्ले है, कर है। तो आपने देखा कि आपने क्या था सेटिंग्स कर ली, आपका यहाँ पर डिस्प्ले में जाके जिस हिसाब से मेरे को इसको देखना था उस हिसाब से मैंने सेटिंग्स कर ली, मेरा काम यहाँ पर फिलहाल ओके है। और चूंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ और मैंने सेल्फ कैलिब्रेट किया था, सेल्फ टेस्ट लिया था, तो DSO ने खुद ब खुद अपनी सेटिंग्स दे दी, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि कहते हैं ना DSO की सेटिंग्स, तो आपको DSO की सेटिंग्स क्या करनी पड़े, कुछ नहीं करनी पड़े। यहाँ पर अगर मैं देखूँगा अपने हिसाब से मैंने क्या किया, केवल कलर ग्रेड को ऑन किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। जो DSO ने खुद ब खुद दे दिया आपको ऑप्शंस, वो बेस्ट ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। चलिए तो डिस्प्ले ऑप्शन का हमें यूज करना था वो हमने दे लिया, बाकी के जो ऑप्शन है वो भी यूटिलाइज होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप अब आप किस तरह का वेब फॉर्म देख रहे हो, उसमें क्या आप चाहते हो उस वेब फॉर्म में देखना, तो उसके आधार पे बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पर यूज करोगे, है ना। जैसे मेजर ऑप्शन हो गया, कर्सर्स ऑप्शंस हो गए, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर चलिए एक बार कर्सर ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, इससे क्या होता है। अभी देखिए मेरा एक वेब फॉर्म बना हुआ 1 kHz का, है ना, और इसी के बेस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका डिस्प्ले पर क्या क्या आप सेटिंग्स करते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कर्सर्स पर जाता हूँ तो देखिए कर्सर्स पर क्या होता है, कर्सर्स पे गया तो यहाँ पर ये बाकी इसकी वैल्यू दिखाने लगा, और ज़्यादा इसमें देखता हूँ मैं और क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, मोड आपका मैनुअल आ रहा है, X1 आपका 1 point टाइमिंग का डिफरेंस दिखा रहा है, आपकी च्वाइस है कर्सर को ऑन करके रखें या ना रखें, ये आपकी च्वाइस है। अभी मैं जैसे कि कोई वोल्टेजेस नहीं चेक कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं वोल्टेज चेक कराऊँगा तो उस समय हो सकता है आपको कर्सर की ज़रूरत पड़े, तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको सामने रखें ना रखें आपकी चॉइस बनती है। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ करके रखूँगा। और मेजर ऑप्शन में देखता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, तो मेजर ऑप्शन में गया तो यहीं पर आप देखेंगे जो भी इसका मेजरमेंट होता है वो यहाँ पर आ गया। फिलहाल यहाँ पर एक काम की चीज़ हो जाती है, जैसे ऑल मेजर, हम अक्सर मेजर ऑप्शन का यूज करते हैं अगर कोई फ्रिक्वेंसी का हमें देखना हो कि क्या उसकी ड्यूटी साइकिल है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, या फिर और भी जो डेप्थ होते हैं, क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है, हाई एम्पलीट्यूड क्या है, लो एम्पलीट्यूड क्या है, तो उसके लिए अगर हमें चेक करना है तो बेसिक मेजर ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे, ये ऑल मेजर को यूज करेंगे।
अदर DSO में यही चीज़ ऑल पैरामीटर्स के नाम से होता है, यहाँ पर ऑल मेजर के नाम से दिया, अच्छी बात है, ये समझ में आएगा लोगों को ऑल मेजर्स है ना। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए उसका पूरा डिटेल्स आएगा, बिल्कुल ये डिटेल्स आ गया यहाँ पर है ना। अब देखिए इसकी एक अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने बाकी भी DSO यूज किया उसमें मैं क्या देखता था कि जब मैं ऑल पैरामीटर्स को ऑन करता था ना तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट हो रहा ना उस तरह का ये नहीं शो होता था है ना। मतलब बैक में जो आप फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हो ना वो नहीं दिख पाते थे, जो बैक में जो ऑप्शंस आते थे वो नहीं दिख पाते थे, लेकिन इस DSO में एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, मुझे ये नज़र आया है ना, क्योंकि बैक में जो यहाँ पर ये वेबफॉर्म बन रहा है वो तो बन ही रहा है और उसके ऊपर में उसका पूरा डिटेल्स आ रहा है। तो मतलब क्या है कि मैं इस डिटेल्स को ऑन रखते हुए, मतलब ऑल मेजर को ऑन रखते हुए अपनी फ्रीक्वेंसीज में अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख सकता हूँ। चलिए ये तो समझ में आ गया मेरे को है ना, ये क्लियर है। तो ये पूरा डिटेल्स है। अब इस डिटेल्स का हम किस हिसाब से यूज करते हैं डिपेंड करता है कि हमारा क्या नॉलेज है, किस पॉइंट्स को लेकर के हम कितना नॉलेज रखते हैं। देखिए जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या बताया DSO क्या है, है ना, हम DSO को समझते क्या है उस पर आ जाती है। हम अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में, मोबाइल रिपेयरिंग में DSO का यूज करते हैं, DSO का यूज हम किस बात के लिए करते हैं उसको आपको समझना होगा। एक तो होता है DSO का यूज हम वोल्टेज मेजर करने के लिए भी कर लेते हैं। खैर वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट मल्टीमीटर होता है, DSO से वोल्टेज मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप DSO से वोल्टेज मेजर करते हो तो क्या इसमें स्पेशल है जो आपके मल्टीमीटर में नहीं है, वो चीज़ समझना ज़रूरी है ना। तो एक तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम DSO का यूज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, हम जो कुछ कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, पल्स होते हैं, जैसे कि बहुत बेस्ट एग्जांपल दूं मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग में, अगर हमें क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है तो जाहिर सी बात है मल्टीमीटर से हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं कुछ मीटर्स में ऑप्शंस होते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मल्टीमीटर में दिखा दे, वैसा नहीं होता। वो मल्टीमीटर में क्या दिखाएगा, उसकी वैल्यू दिखाएगा, वेवफॉर्म नहीं दिखाएगा। कई बार क्या होता है कि वैल्यू सही होती है बट वेवफॉर्म गलत होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो अक्सर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी का टेस्टिंग किया जाता है DSO से है ना, वो इस टेस्टिंग किया जाता है। तो एक तो हो गया जो क्लॉक पल्स होते हैं उसको देखने के लिए हम DSO का यूज करते हैं है ना। पर हाँ फ्रीक्वेंसी हमने देखा 1 kHz की फ्रीक्वेंसी है, देख रहे हैं समझ रहे हैं बेहतर है ना। ये ड्यूटी साइकिल हम बताते भी हैं स्टूडेंट्स वगैरह को ड्यूटी साइकिल के बारे में कि जो हमारा हायर गेट होता है लोअर गेट होता है उसका ड्यूटी साइकिल ये होता है, उस हिसाब से हमारा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो ड्यूटी साइकिल हमारा 50% 50% है, ये आपको नज़र आ रहा है ड्यूटी साइकिल हमारा 50% 50% है। 50% का मतलब क्या हो जाता है, सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल 50% है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैंने 1 kHz का देखा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कितने वोल्टेज पे जा रही है, तो वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है मैक्सिमम ये 2.96 वोल्ट तक जा रहा है। लेकिन वही अगर मैं इसको मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करूँ ना तो ये 2.96 वोल्टेज नहीं दिखाएगा, मतलब ये कह सकते हो 3 वोल्ट तक जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये सेंटर है, सेंटर से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने सेंटर में रखा है और यहाँ पर सेंटर पर मैंने रखा है तो आप देखिए यहाँ पर 1x की सेटिंग है और क्या बता रहा है 500 mV। तो आप कह सकते हो जो ब्लॉक्स है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट्स के बाद यहाँ पर ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो ये ब्लॉक्स में आप कह सकते हो कि ये जो ब्लॉक्स है ये आपका 500 mV का है। तो ये पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा रहा है 500 500 500, मतलब 3 वोल्ट तक जा रहा है, 3 वोल्ट अप हो रहा है 3 वोल्ट डाउन हो रहा है, क्लियर है ना। तो वो समझ रहे हैं। और उसका जो मीन वैल्यू होगा मल्टीमीटर आपको क्या बताएगा, तो मल्टीमीटर आपको उसका क्या बताने वाला है, मतलब हाफ ही बताएगा। ड्यूटी साइकिल आपका 50% है तो मल्टीमीटर उस हिसाब से यहाँ पर हाफ वोल्टेज ही दिखाएगा, तो वो आपको 1.4 समथिंग दिखाएगा है ना। तो वो भी आप देखोगे तो शायद यहाँ पर मीन वैल्यू मीन वोल्टेज कहीं दिख रहा होगा, जैसे ये सब दिख रहा है मुझे है ना, मुझे लग रहा है कि मीन वैल्यू दे रखा है 1.46 वोल्ट, तो मल्टीमीटर यही बताने वाला है। तो यही चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है तो इजीली हम DSO को अपने लैपटॉप में मोबाइल्स में हम यूज कर सकते हैं। चलिए ये अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखूँगा कि जो मेरा ये जो ट्रांसपेरेंट आ रहा है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए मुझे हो सकता है एक बार डिस्प्ले ऑप्शन में जाना पड़े। मैं डिस्प्ले ऑप्शन में जा रहा हूँ, बिल्कुल डिस्प्ले ऑप्शन में आया मैं, और डिस्प्ले ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे आ रहा था, नेक्स्ट पेज में गया एक बार, बिल्कुल अब यहाँ पर मैं देखता हूँ
ट्रांसपेरेंस, यहाँ के लिए इसका यूज है क्या? बिल्कुल, इस यहाँ के लिए यूज है, आप देख सकते हैं है ना, जैसे कि मैंने बताया इसका मैं बेहतर यूज कर सकता हूँ, तो मैंने इसको देखा भी, समझा भी और मुझे काफ़ी बेहतर लगा है ना, इस हिसाब से मेरे को काफ़ी बेहतर लगा। ये जो सेटिंग्स दे रखी है DSO में ट्रांसपेरेंस की, बहुत बेहतर है ना, कुल मिला के यहाँ तक मेरे को सही लगा। चलिए, मेजर ऑप्शन में यही चीज़ होता है, मतलब बाकी चीज़ें जो समझना है आपको है ना, उस हिसाब से हम धीरे धीरे समझते हैं। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए, अभी फिलहाल हमारे समझने के लिए क्या है, अगर मैं बोलूँ तो हाँ 1 kW जा रहा है बेहतर, ड्यूटी साइकिल मेरा 50% मुझे दिख रहा है, 50% ऑन है, 50% ऑफ है, 50% ऑन है, 50% ऑफ है, क्लियर। मेजर ऑप्शंस को मैंने हटा दिया, चलिए यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने देखा और बाकी मैं ऑप्शंस को यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए वोल्टेज को मैं यहाँ पर वोल्टेज वाले इस वेरिएबल्स को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, अब क्या समझ में आ रहा है देखिएगा, इस DSO की खासियत जो आपको मैं समझ में आ रहा हूँ दिखा रहा हूँ। अभी मेरी सेटिंग्स जो है यहाँ पर बता रहा है, चैनल वन की सेटिंग्स क्या 1x की है, बिल्कुल करेक्ट 1x की सेटिंग्स है, और यहाँ से आप देखिए वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 volts कर दिया, 1 volts हो गया, यहाँ पे आप करेंगे बताएगा खुद ब खुद 500 mV हो गया। तो आप जब इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज का रेंज आएगा 10 volts, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी, 10 volt है, मैक्सिमम लिमिट मैं देख रहा हूँ 10 volt है। अदर DSO में मैंने देखा है कि 20 volts तक होता है, लेकिन 20 volts पे सेट करके कभी यूज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या, हमारे प्रॉब्लम में भी 10x का ऑप्शन दे रखा है, तो अगर हम DC वोल्टेजेस को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत है, यहाँ पर 10 वोल्ट मैक्सिमम रेंज दिया है, इनफ है, मिनिमम क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ये बेहतर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ पर है ना, चलिए उतना यहाँ पर सही आ रहा है। अब क्या होता है ना, कई बार आप कहते हैं ना कि DSO की सेटिंग्स बिगड़ गई है ना, ऐसा भी कई बार सवाल जवाब आता है कि DSO की सेटिंग्स बिगड़ गई, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कैसे किस तरह बिगड़ता है, देखिए, और इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शंस दे रखा है, देखिए, तो जब भी आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट करना हो आपको कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ पर ये पुश कर देना है, ये देखिए मैंने इसको पुश किया, मतलब पुश करने से देखता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक सेंटर पॉइंट पर चला जा रहा है, आप अगर इसको थोड़ा भी ऊपर नीचे कहीं भी कर देते हैं है ना, आप देखिए कहीं भी आप ऊपर नीचे हो जाता है, और इसको अगर एक बार पुश कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स यहाँ पर चली जाती है ना, तो ये मैंने देखा यहाँ पर ठीक है, क्लियर है, मुझे कोई यहाँ पर इशू नहीं है और बेहतर दिख रहा है यहाँ पर। चलिए और आगे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, और कहीं भी आपको यहाँ पर डाउट लगे एक बार फिर से ऑटो सेटअप करिए, ऑटो सेटअप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी उस हिसाब से यहाँ पर आ जाना चाहिए, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जैसे हमने ऑटो किया ऑटो करते ही आ गया, मतलब कभी भी आपको लगे कि आपके सेटिंग्स इधर उधर हो गए तो आप ऑटो सेट करके दोबारा ला सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मैंने देखा, कुल मिला के DSO बढ़िया है, थोड़ा सा कलरफुल नज़र आ रहा है उस हिसाब से बेस्ट है, तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा यहाँ से आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर पता चलेगा क्या हम इससे कर सकते हैं, क्या हम इससे कर सकते हैं, और टाइमिंग का अगर मैं देखूँ तो टाइमिंग यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो देखिए होता है कि नहीं होता, बिल्कुल हो रहा है, देखिए ये 1 ms की सेटिंग्स है, ये देखिए यहाँ पर 2 ms की सेटिंग्स आ गई है ना, इस हिसाब से देखिए है ना, काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, बहुत बेस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर है ना, बाकी जब आप इसको प्रैक्टिकली चेक करोगे तो आपको पता चलेगा है ना, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पर सब कुछ बेहतर लग रहा है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल्स है इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, जो आपकी टाइमिंग्स होती है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसके ज़रिए आप यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो। वोल्टेज कम ज़्यादा करने में भी देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिया, उस चीज़ को समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा है ना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए क्या बता रहा हूँ, देखिए एक बार मैं टाइमिंग इस हिसाब से सेट कर लेता हूँ, अब आप समझने की कोशिश करेगा। अभी देखिए वोल्टेज किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, 500 mV 510 जा रहा है, 520 जा रहा है, मतलब आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं चाहिए है ना, मिली वोल्ट में इंक्रीज नहीं होना है, तो आप एक बार इसको पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद है ना, एक बार पुश करेगा उसके बाद आप जब भी इसको करेंगे देखिए 2 से 5 जाएगा, 5 से 10 जाएगा है ना, 10 मैक्सिमम है, फिर 10 से 5 डाउन किया हमने इसको, डिक्रीज कर रहे हैं, 1 आया, 1 के बाद 500 mV 200 mV, अब 200 mV के बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को 250 mV चाहिए, तो 250 mV मैं कैसे ऑप्शन लाऊंगा उसका भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे 200 mV है, एक बार आपको ये पुश करना है, पुश किया हमने, फाइन एडजस्टमेंट हो गया, और फाइन एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे आप देखिए
26, 212, मतलब 250 आपने चाहा तो 250 ला सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। 250 मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू आप चाहते हैं वो एग्जैक्ट ले सकते हैं, बस आपको एक बार इसको पुश करके। ये अलग अलग एडजस्टमेंट है, एक तो कोर्स एडजस्टमेंट है और एक फाइन एडजस्टमेंट है। तो आपको किस हिसाब से काम करना है, कोर्स एडजस्टमेंट पे काम करना है, फाइन एडजस्टमेंट पे काम करना है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा हमारे लिए क्या बेहतर है। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि हम भैया 125 वोल्ट, मतलब ये आपका कोर्स एडजस्टमेंट पे ही हम काम करेंगे। तो चलिए कुल मिला के ये समझ में आ गया हमारा। अब और हम यहाँ पर क्या टेस्टिंग करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर हमने मेजर को देखा, समझ में आ गया, कर्सर्स भी देखा वो भी समझ लिया, डिस्प्ले भी देखा वो भी समझ में आ गया। ये चैनल वन, इसको पुश करने से क्या आ रहा है आप देखिए, है ना। इसका भी एक बार आपको ज़रूरी है जानना, ज़रूरी क्या है जानना कि यहाँ पर देखिए, जब कोई भी फर्स्ट टाइम DSO यूज करता है और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जाता है तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जब आप जाएंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, सिंपली सेटिंग्स बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बटन का क्या काम है, कितना समझ पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर कहने के लिए जा रहा हूँ कि जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें अब वोल्टेज टेस्टिंग करना है, DSO से हमें वोल्टेज टेस्टिंग करना है, तो वोल्टेज टेस्टिंग करने के लिए भी DSO में एक सेटिंग्स करनी पड़ती है। वो सेटिंग्स क्या है और वो किस तरह आपको शो करेगा, तो अभी देखिए इस चैनल वन का जो बटन है इसको मैंने एक बार पुश किया। देखिए ये पुश करने के साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आया था, ये देख सकते हैं कपलिंग का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जब आप वोल्टेज मतलब DC वोल्टेज ही तो मेजर करोगे ना। अब हमारे लैपटॉप लाइन में क्या है, DC वोल्टेज ही मेजर करते हैं, तो कपलिंग हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, DC पे होना चाहिए। यहाँ पर कपलिंग ऑप्शन पे जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक DC, एक AC, एक ग्राउंड। अगर कभी भी गलती से AC पे रहा, ये कपलिंग हमारी AC पे रही और AC कपलिंग पे लेके हम अपने DC वोल्टेज को चेक करने के लिए जाएंगे तो DSO आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा, फिर आपको लगेगा कि DSO ख़राब है। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं जब फर्स्ट टाइम DSO को परचेज करते हैं। तो कपलिंग जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बहुत से अदर DSO में बाय डिफ़ॉल्ट AC की कपलिंग होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट AC की कपलिंग होती है और वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि AC की कपलिंग है। और जब वोल्टेज चेक करने के लिए जाते हैं तो वोल्टेज मेजरमेंट होगा नहीं, बोलेंगे DSO हमारा ख़राब है, हमें ख़राब DSO दे दिया गया, है ना। तो इस तरह की बातें आती हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कपलिंग आपको हमेशा DC पर रखिए। ये DC पर मैं कपलिंग को सेट कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, बाय डिफ़ॉल्ट भी इस DSO में DC कपलिंग थी, है ना, AC कपलिंग नहीं थी। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये DC कपलिंग ही रहा, AC कपलिंग ना रहे। उसी तरह जब मैं चैनल 2 को यूज करने के लिए जाऊंगा, है ना, तो देखिए चैनल 2 को जब मैं यूज करूंगा तो चैनल 2 को मैं ऑन करूंगा इस तरह। फिर से मैं देखिए सेटिंग्स आपको समझा रहा हूँ, चैनल जैसे चैनल 1 ऑन हो गया, करेक्ट। अब चैनल 1 को आपको क्या करना है, इसको ऑफ करना है, है ना। तो देखिए इसको बस एक बार पुश करना, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आपको लॉन्ग पुश नहीं करना है, है ना। बाकी के DSO में क्या करना होता है, एक बार लॉन्ग पुश करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग पुश करने की जरूरत नहीं, मतलब जिस चैनल को ऑन करना है आप उस चैनल को इजीली ऑन कर सकते हैं। एक बार इसको इस तरह ऑन करेंगे, मतलब एक ही बार पुश करना है आपको, एक बार पुश करेंगे ऑन होगा, एक बार पुश करेंगे ऑफ होगा। तो कुल मिला के यही आपकी सेटिंग्स होती है। तो कुल मिला के जितना हमें समझना था हमने, और आगे हम देखते हैं इसमें और क्या मेजरमेंट है। रन स्टॉप जब आप और ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। ये ट्रिगर में जो यहाँ पर दे रखा है, सेटअप दे रखा है, ऑटो नॉर्मल, अभी हमारा ऑटो मोड है। अभी जो भी आपको DSO पे सेटिंग्स बता रहा हूँ ऑटो मोड पे बता रहा हूँ, आगे हम सिंगल पे भी देखेंगे, लेवल का क्या यूज है वो भी देखेंगे। तो कुल मिला के ये मुझे समझ में आ गया कि किस तरह इस DSO को सेट करना है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़े ऑप्शन इसमें ज़्यादा है एक्स्ट्रा है लेकिन कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए यही है सेटिंग्स DSO की। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम इस DSO से वोल्टेज को चेक करेंगे, किस तरह इस DSO से हम अपने फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लॉक के जो पल्सेस होते हैं उसको चेक करेंगे। चलिए अभी मैंने अपने सारे कैमरा की सेटअप कर ली है ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि इस DSO से अब हम कैसे वोल्टेज को मेजर करेंगे, कैसे वोल्टेज को मेजर करेंगे, कैसे किसी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। तो आप जो इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेरा बोर्ड है, यहाँ पर आपको मेरा बोर्ड नज़र आएगा, ये आपका DSO का इंटरफेस हो गया, ये यहाँ पर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना। ये माइक्रोस्कोप से मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि किस पॉइंट्स पे मैं अपने DSO के प्रॉप को टच कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे वोल्टेज को चेक करना है तो अब किस तरह से मैं चेक करूँगा।
तो जो भी सेटिंग्स करने थे हमने चेक कर ली थी, है ना। तो यहाँ से मैं इस प्रॉप को हटा लेता हूँ। अब क्या है कि जब भी आप DSO को यूज करेंगे किसी वोल्टेज को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आपको DSO को ग्राउंड देना होता है। तो फिलहाल मेरे प्रॉब में जो ग्राउंड है मैं उसी का यूज करके देखता हूँ ये कितना बेहतर काम कर सकता है। तो मैंने इस प्रॉप का जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं यहाँ पर है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रॉप के साथ ही आपको ये ग्राउंड आता है, इस ग्राउंड का ही मैं फ़िलहाल यूज कर रहा हूँ। बाद में मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से भी ग्राउंड का यूज कर लेता हूँ, है ना। ग्राउंड की सेटिंग अपने हिसाब से कर लिया जाता है, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको अब चेक करवा रहा हूँ। देखिए वोल्टेजेस वगैरह बता रहा हूँ चेक करना। हाँ, अब देखिए वोल्टेज चेक करना है तो सबसे पहले तो आप देखिए क्या प्रेस करेंगे। मैंने इसको फ़िलहाल ऐसे प्रेस किया, मैंने किसको प्रेस किया फैन एडजस्टमेंट के लिए। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं वोल्ट्स जो है, इसको आप चाहो तो सेंटर में भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। सेंटर में करना है तो सेंटर में कर लीजिए, जैसा भी जहाँ भी सेट करना होता है आप इसको सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं सेंटर में लेके चलता हूँ, मैं सेंटर में ले रखा हूँ इसको, यहाँ पर सेंटर में आ गया मेरा, देख सकते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर अलग अलग डिवीज़न नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ता है कि कितने डिवीज़न में कितने वोल्ट्स की हम सेटिंग्स करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 1x पे मेरा सेट है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो ये मैं मान के चलूँ कि अगर ये लाइन मतलब इस ब्लॉक पे आ गई तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 5 वोल्ट हो, यहाँ आ जाए 10 वोल्ट हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब DSO को बताना पड़ेगा कि कितने ब्लॉक पावर कितने वोल्टेज। मतलब उसी तरह है जैसे हमने कभी ग्राफ पढ़ा होगा, 9-10 क्लास के क्लास में हमने ग्राफ पढ़ा था, उसमें भी क्या होता था, हमें ग्राफ्स में आपको एज्यूम करना पड़ता था, लेटेस्ट बताना पड़ता था कि हमें कितने ब्लॉक्स बराबर कितने वोल्टेज मतलब कितने वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो कितने ब्लॉक बराबर वोल्टेज बताना पड़ेगा। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर बाइडिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, 500 मिली वोल्ट आ रहा है, मैं इसको 1 वोल्ट पे सेट करता हूँ, 1 या 2 वोल्ट। देखिए इसको मैं फाइन एडजस्टमेंट किया हूँ, फाइन एडजस्टमेंट नहीं बल्कि कोर्स एडजस्टमेंट करूँगा, और कोर्स एडजस्टमेंट करके ये 1 वोल्ट पे सेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 वोल्ट पे सेट है, करेक्ट। तो मैं इसको 1 वोल्ट से बढ़िया 2 वोल्ट पे कर लिया, यहाँ पर मैंने 2 वोल्ट कर लिया है, ये यहाँ पर हमारा देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट है। अब हम इसको ट्राई करते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए। तो वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए मैं आपको जो फिलहाल यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे हमारे मदरबोर्ड पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट होता है, है ना। तो उसको हम चेक करते हैं और देखते हैं किस तरह ये DSO बताता है। ये DSO को प्रॉप को मैंने 1x पे सेट कर दिया है और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वोल्टेज चेक करके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैंने देखिए अपने ये जो आप शॉर्ट पैड देख रहे हैं, शॉर्ट पैड आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास कॉइल है, ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट में से कोई एक है, है ना। तो मैं इस शॉर्ट पैड पे भी रख सकता हूँ, कॉइल्स पे भी रख सकता हूँ, तो चलिए कॉइल पे ही रख लेता हूँ। कॉइल के मैंने आउटपुट पे रखा, आउटपुट पे आपको पता होगा कि क्या आता है, वोल्टेज आता है, ठीक है ना। तो मैं DC को ऑन कर रहा हूँ, फिलहाल DC मेरा ऑफ है, मैं DC को ऑन कर रहा हूँ। अब वोल्टेज चेक करने के लिए जाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सेटिंग क्या कर रखी है। आप थोड़ा सा मैं DSO को बड़ा करके दिखाता हूँ और मेरा वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, वो भी मुझे आइडिया लग गया। देखिए यहाँ पर सेटिंग क्या है, 2 वोल्ट की सेटिंग है, यहाँ पर देखिए मेरी 2 वोल्ट की सेटिंग है, ये 2 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा सेंटर क्या था, यहाँ था, तो मैं देख रहा हूँ 1 ब्लॉक इक्वल टू 2 वोल्ट, तो यहाँ पर ये मेरे को 5 वोल्ट शो हो रहा है, ये यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 वोल्ट आ रहा है, ये मेरे को यहाँ से आइडिया लग गया, करेक्ट, यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट का है। अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ दूसरे कॉइल पे, दूसरा कॉइल पे जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कॉइल है, इस कॉइल्स के आउटपुट पे मैंने यहाँ पर अटैच किया। तो अभी देखिए मेरा कितना वोल्ट आ रहा है, मेरा 3 वोल्ट आ रहा है। तो अभी मेरी सेटिंग क्या है, 2 वोल्ट की, अगर मैं यहीं पर सेटिंग्स को 1 वोल्ट कर दूँ, देखिए आप 1 वोल्ट में कर रहा हूँ, एक बार इसको प्रेस करके कोर्स एडजस्टमेंट, और मैं इसको 1 वोल्ट पर सेट कर रहा हूँ। अभी देखिए 1 वोल्ट पे सेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं 1 वोल्ट पे सेट कर दिया तो बिल्कुल परफेक्ट, मुझे ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा कहाँ जा रहा है, ये मेरा ये 3.3 वोल्ट है, ये जो मैं यहाँ पर वोल्टेज देख रहा हूँ मेरा 3.3 वोल्ट है, मतलब ये ब्लॉक 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब 3.3 वोल्ट है। तो जैसा कि मैं समझ पाता हूँ, मेरे को तो ग्राफ देख के ही वोल्टेज का आइडिया लग जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है।
यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, मेजरमेंट नहीं चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। ये 2 वोल्ट पे ले लिया तो आप देखिए मेजर में आपको 5 वोल्टेज आ गया है ना, यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रीन जो है ओवरलैप हुए ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर आपको ये लाइन देख के भी आइडिया लग रहा है, ये एक ब्लॉक हमारा 2 वोल्ट का हो गया, ये 4 वोल्ट का हो गया, 5 वोल्ट का है ना। तो वोल्टेज के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, बाद बाकी आपने इसको सेंटर लाइन माना, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा भी आप चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं है ना। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको लेकर के चलते हैं। तो जो कि मैं देख पा रहा हूँ वोल्टेज चेक करना यहाँ पर काफ़ी वोल्टेज चेक करना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वोल्टेज हमारा आराम से चेक हो जाता है। एक बार मैं मीजर को ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ये देखिए मीजर को ऑफ़ कर दिया, आप देख सकते हैं 2 वोल्ट की सेटिंग्स पे मैं आपको ये 5 वोल्ट चेक करवा रहा हूँ, और ये हमारा यहाँ पर ये रहा मेरा 3.3 वोल्ट, ये देखिए हमारा 3.3 वोल्ट। तो इस तरह आपने देखा कि वोल्टेज बहुत इजीली चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम चेक कर सकते हैं। सारी बात अब इस पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, कितना हमको देख के समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आती है, देखने वाली बात आ जाती है कि आप DSO के इंटरफेस को किस तरह से समझते हो। तो हमारा यहाँ पर ये आपको बता रहा है, चलिए बाकी भी वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने हिसाब से अगर बाकी वोल्टेज चेक करने के लिए जाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक और कॉइल नज़र आ रहा है, ये मुझे एक कॉइल दिख रहा है यहाँ पर, ये कॉइल पे क्या वोल्टेज चेक कर रहा है। तो अब ये जो कॉइल का जो वोल्टेज है ना, वो मेरे को शायद बोर्ड ऑन करने के बाद पता चलेगा, अभी मैंने बोर्ड ऑन नहीं किया, मैं एक बार बोर्ड ऑन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आउटपुट को इसको रखूँगा, यहाँ पर क्या वोल्टेज बन रहा है देखने की कोशिश करते हैं हम, है ना। मैंने कॉइल पर रख दिया और बोर्ड को मैं ऑन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड ऑन हुआ। यहाँ पर भी देखिए एक वोल्टेज बन रहा है, क्या वोल्टेज बन रहा है आप खुद से यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को आइडिया लग रहा है, मेरी सेटिंग 2 वोल्ट के, तो अप्रॉक्स 1 वोल्ट बन रहा है यहाँ पर, अप्रॉक्स 1 वोल्ट बन रहा है। और वहीं अगर मैं इसको 1 वोल्ट पे ले लूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, देखिए ये 1 वोल्ट पे मैंने ले लिया, बेहतर समझ में आ रहा है कि अप्रॉक्स 1 वोल्ट मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। चले इतना क्लियर हो गया। एक और कॉइल यहाँ पर है, उस कॉइल पर क्या वोल्टेज बन रहा है उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो इस कॉइल पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे को वोल्टेज क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर रखा तो ये मेरे को, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद ये 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर मुझे आइडिया लग रहा है ये 1.5 वोल्ट बन रहा है ना, 1.5 वोल्ट ये रैम कॉइल की सप्लाई होती है। तो क्लियर है, मतलब वोल्टेज मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बेहतर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो तरीका है, मैं तो मेरा जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वोल्टेज वाई डिवीजन का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि 9th-10th क्लास में काफ़ी पढ़ा हमने ग्राफ्स के बारे में, तो ये ग्राफ को देख के ही वोल्टेज का आइडिया लग जाता है ना, अपने को वो कर्सर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो डिपेंड करता है किसको कर्सर देखना है किसको नहीं देखना, अपने को इससे पता चल जाता है। तो वोल्टेज मेजरमेंट आपने देखा अच्छे से DSO से हो जाता। अब मैं आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखाता हूँ है ना। फ्रीक्वेंसी में जैसे कि हम सबसे पहले अगर मान के चले कि हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता तो हम RTC सेक्शन जरूर चेक करते हैं। RTC सेक्शन में RTC की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको RTC की फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए जा रहा हूँ डायरेक्ट। चलिए मैं DSO को और बड़ा कर लेता हूँ ताकि बेहतर आपको नज़र आए यहाँ से। तो चलिए मैं आपको RTC की फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ यहाँ पर, RTC की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए थोड़ा सा मुझे, तो अब देखिए RTC की फ्रीक्वेंसी देखना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि करना क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर करना क्या, अभी मैं वोल्टेज चेक कर रहा था, अब मैं किस तरह RTC की फ्रीक्वेंसी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने कोई सेटिंग्स पे चेंजेस नहीं किया है, सिंपली मैं यहाँ पर RTC क्रिस्टल पे गया, और RTC क्रिस्टल पे आपको पता है कि 2 पॉइंट्स होते हैं X1 X2। मैंने किसी एक पॉइंट्स पे अपने DSO का प्रॉप को टच किया, DSO को प्रॉप को जैसे टच किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं करना पड़ा आपको, कुछ हरकत नज़र आ रहा है डिस्प्ले में, कुछ हरकत नज़र आ रहा है। यहीं पर मैंने क्या किया, 10x कर दे रहा हूँ, 1x की जगह यहाँ पर 10x करना है, DSO के प्रॉप पे 10x कर लेना है। और अब आप देखिए यहाँ पर मैंने टच किया, टच करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर ऑटो, ये देख सकते हैं ऑटो, एक बार ऑटो करना पड़ेगा। अब आप देखिए बिल्कुल आपको 32 जो एग्जैक्ट चाहिए 32.7, तो मेरे को 32.7 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, मेरा लो एम्पलीट्यूड है, ये RTC का लो एम्पलीट्यूड है। आपने देखा बहुत ईजी है यूज करना, मैंने कोई सेटिंग्स नहीं करी, जिस सेटिंग्स पे मैंने वोल्टेज चेक किया वही सेटिंग्स पे मैं यहाँ पर क्रिस्टल को भी चेक कर रहा हूँ। बस क्या था, एक बार मैंने यहाँ पर ऑटो किया, RTC को चेक करना था, एक बार मैंने यहाँ पर ये ऑटो सेटअप किया, इसने ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स ले ली है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको वोल्टेज चेक टेस्ट वोल्टेज सेट करने की जरूरत पड़ी, ना आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट करने की जरूरत पड़ी। तो ये बेहतर आपको बन चुका है, 32 किलो हर्ट्ज का है। और दूसरी साइड फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको,
देखिए दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा लो एम्पलीट्यूड था और मैं आपको हाई एम्पलीट्यूड दिखा रहा हूँ आरटीसी का। तो देखिए यहाँ पर हाई एम्पलीट्यूड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई एम्पलीट्यूड आ रहा है और बहुत बेहतर बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत देखने में बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें बेस्ट है। और आप देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट 32.7 जो मुझे चाहिए, यहाँ पर 32 की जगह अगर 30 भी आए 29 भी आए ना तो बेशक आपको ये जो वेबफॉर्म है वो इसी तरह नज़र आए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थोड़ा भी कम होगा ना तो ये कारण बनता है आपके बोर्ड का ऑन नहीं होने का, समझ गए ना। तो मुझे यहाँ पर आरटीसी की 100% टेस्टिंग क्या है कि आरटीसी क्रिस्टल पे जा करके X1 X2 को चेक करो, आपको इस तरह से मतलब इस तरह से फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी, है ना, जो इस तरह का वेबफॉर्म है वो नज़र आएगा और दोनों तरह दोनों साइड के वेबफॉर्म में आपको डिफरेंस होगा, जो एम्पलीट्यूड है एक का ज़्यादा एम्पलीट्यूड एक का कम एम्पलीट्यूड का, जो एक कलर कॉम्बिनेशन है ना वाकई लाजवाब है, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। कलर कॉम्बिनेशन में और कुछ कर सकता हूँ तो मैं इसके डिस्प्ले ऑप्शन में जाऊँगा, ये डिस्प्ले ऑप्शन में मेरे पास डिस्प्ले ऑप्शन किधर है, ये रहा, डिस्प्ले ऑप्शन में जा सकता हूँ। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट किया और कलर ग्रेड मैंने ऑन कर रखा है, कलर ग्रेड को अगर मैं ऑफ करूँगा यहाँ पर देखिए, कलर ग्रेड को मैं ऑफ करता हूँ, देखिए यहाँ पर कलर ग्रेड ऑफ करने से देखिए बिल्कुल आपका जो येलो टाइप का है उस तरह का दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर ग्रेड को ऑन करके रखना है ऑफ करके रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर देखा दो कलर का कॉम्बिनेशन आ जाता है कलर ग्रेड को ऑन करने से, तो जो आपको बेहतर लगे आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। तो ये आपने देखा बहुत बेहतर तरीके से इसने दिखाया, क्लॉक को इसने बहुत बेहतर तरीके से दिखाया, तो इस तरह करके आप चेक कर सकते हो। तो रिपेयरिंग के लिए तो आगे जो भी मेरे वीडियोज बनेंगे आने वाले टाइम में वो इसी DSO को लेकर के बनेंगे, अभी मैंने जैसे कि आपको PC इंटरफेस ऑप्शन नहीं दिखाया है, आगे के वीडियोज में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका PC इंटरफेस ऑप्शन वर्क करता है, किस तरह हम DSO को PC इंटरफेस ऑप्शन पे यूटिलाइज करेंगे वो भी दिखाऊंगा, और किस तरह से हम रीसेट चेक करेंगे, LPC चेक करेंगे और भी जो चीज़ें होती हैं चेक करने के लायक वो किस तरह से हम चेक करते हैं वो भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज में इसी DSO को लेकर के बताऊँगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और ये सिग्नेंट कंपनी का जो DSO है इसके क्या खूबी है क्या फीचर्स है इसको समझा होगा, है ना। और आगे और ज़्यादा आपको इस DSO के बारे में जानकारी लेना है तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक्स दे दिए हैं और उन लिंक को देख करके क्लिक करके आप पता लगा लीजिए कि DSO कहाँ पे मिलता है कैसा है और क्या क्या फीचर्स है, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। DSO परचेज करना है कैसे परचेज करना है कहाँ से परचेज करना है क्या प्राइस मिलता है वो सारे आपको उस लिंक से पता चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपने हमारे वीडियो को देखा बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, प्रणाम।